हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संडे फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ तीखी हरे धनिया पुदीने की चटपटी चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देख लेते हैं हमें हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने एक बड़ी कटोरी धनिया ले लिया है, इसको मैंने धो करके साफ करके अच्छे से काट लिया है। और एक कटोरी मैंने लिया है पुदीने के पत्ते, और ये 8 से 10 हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो इसको कम भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा कम पसंद है। और ये के आधे से भी कम मैंने नींबू लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने ली है दही। ये मैंने लिया है साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच। ये नमक लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने गरम मसाला, और ये लिया है काला नमक। तो आइए शुरू करते हैं हरी चटनी बनाना। सबसे पहले हम ये एक मिक्सी का जार ले लेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैं ये हरा धनिया जो लिया था, ये हरा धनिया के सारे पत्ते डाल दूंगा इसमें। ये जो पुदीना लिया था हमने एक छोटी कटोरी, इसको भी डाल देते हैं। ये जो हमने 7 से 8 हरी मिर्च ली थी, इनको हाफ हाफ करके इसमें काट करके डाल देंगे। ये जो हमने दो दो चम्मच दही ली थी, ये दही भी इसमें डाल देंगे। जो मैंने साबुत धनिया लिया था, साबुत धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जो आधे से कम नींबू हमने लिया था, नींबू इसमें निचोड़ देंगे अच्छे से। आधा चम्मच डाल देंगे इसमें काला नमक। और ये गरम मसाला, ये बस 2 पिंच डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं। और इसमें ये सादा नमक जो हमने लिया था, ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जैसा आपको टेस्ट पसंद है ऐसा आप डाल सकते हैं। अब इसको हम जार को बंद कर देंगे, और इसको मिक्सर से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, आइए देख लेते हैं चटनी कैसी बनी है। देखिए चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। और दोस्तों, मैंने इसमें जो है 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया था, आप भी कर लें क्योंकि मैं बताना आपको भूल गया था। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें मैंने दही जो ऐड करी थी, दही अगर आप ऐड करते हैं तो इसको आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो आप दही ऐड ना करें, और इसको आप 1 महीने तक भी स्टोर रख सकते हैं अगर आप दही ऐड नहीं करेंगे तो। हमारी चटनी बनकर तैयार है। मेरी ये हरे धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।